मधुबेर, मैं गांव बालसमंद से हूँ। हाँ जी। अब पिछली 19 तारीख को मेरे को हार्ट अटैक आ गया था। इस बेटी को हार्ट अटैक आ चुका था। हाँ। और 18 तारीख को मेरे को मेरी मौत दिख गई थी रात के 11 बजे। 18 तारीख को इसको पैगाम पहुँच गया मौत का। हाँ। आँख मिस थी तो मुझे दिख रहा है कि भाई मुझे नीचे सुला रखा पूरे के ऊपर। इस बेटी को क्या दिखाई दे, हार्ट अटैक आ चुका है और ये शरीर को इसने छोड़ दिया है। जोर की ताली करें प्रेस से। उसने क्या देखा कि अपना शरीर जो कूड़ों के ऊपर सुला रखा है। हाँ। और फिर मैं बार बार बंद कर दिया कि मुझे वही दिखाई दे रहा है। हाँ। तो मैं अंदर बच्चों के पास बाहर सो रही थी, अंदर संजय सो रहा था। हाँ। उसके पास गई मैं, बोली संजय, बोला क्यों घबरा रही है तू? ये बात 18 तारीख की बता रही है। हाँ। फिर वो बोले कि क्यों घबरा रही है, मेरे को मेरी मौत दिख रही है, मेरे को मेरा मौत महसूस हो चुकी है, मैंने प्रभु के पास जाना है। हाँ। वो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसके पास बेड पे बैठी कि वो भी ऐसे रोने लग गया बहुत बुरी तरह से। ये कितने बजे की बात है? रात 11 बजे की। कितने संजू कहाँ गया मेरा भैया? ये कितने बजे की बात होगी? लगभग 11:20 पे ये बेटी भाई के पास पहुंची। हाँ। और उन्होंने भी फिर रोकर उतर कर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। ये इसकी पत्नी संजू की, और इसे भाई ने प्रार्थना किया प्रभु से रो रो कर। ये चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि प्रभु समा कर, ऐसा क्या घटने वाला है जो हमारे जीवन में तो पहले ही अदा कर रहा है। दो ऐसी घटना दिखा रहा कि ये शरीर छोड़ने पे है। हाँ। और इन्होंने 1:30 बजे तक प्रार्थना की, रात को 1:30 बजे तक इसे लगातार प्रार्थना किया। और उसके बाद फिर शांत हुए। मैंने इनसे पूछा आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? हाँ। क्या बताऊं तुझे? हाँ। उसने मुझे थपेड़ कर सुला दिया। हाँ। और फिर हम सुबह उठे, हमारे ये कोई बात ही नहीं थी कि ये बात बिल्कुल निकल चुकी है। तारीख कितनी? 20 तारीख की। 19 तारीख को घटना घटी के साथ, और 19 तारीख की बता रहा है। 19 तारीख को मुझे ये नहीं था कि भाई मेरे को रात को तेरी मौत दिखी, ऐसा तेरे साथ कुछ होगा। होगा क्या है तेरे साथ में? हाँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जल्दी से खाना बनाया, बच्चों को खिलाया और अपना काम करके मैं खेत में टिफिन बांध कर चली गई। ये दिन के समय खेत में कार्य करने के लिए खेत में चली गई खाना लेके। हाँ। और 8 बजे हम खेत में पहुँचे। 8 बजे पहुँची खेत में सुबह। हाँ। 8:30 बजे तक मैंने काम किया वहीं, फिर आधा घंटा काम किया और मुझे अटैक आ गया। और शिफ्ट टाइम क्या हुआ? हार्ट अटैक फिर आ गया इसको। हाँ। और मेरे साथ में 6 जने और भी लगे हुए थे, वो भी 6 जने और साथ में लगे हुए थे, घबरा गए। मेरी सास मुझे गोद में लेकर रोने लगी और मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए। इसको बिल्कुल शरीर ने त्याग दिया। आँखों पर काला बादल छा गया, मेरे आँखों के पर पारा पूरा बादल छा गया। लास्ट शब्द मैंने यही बोला, हे प्रभु मेरे बच्चे। इसने क्या जवाब दिया प्रभु से? बोला इसने कि हे प्रभु मेरे बच्चे। हाँ। उन काले बादलों में से रोशनी चीर के आई, चार रोशनी बादल फट चुका, रोशनी आ चुकी इसके ऊपर। Thank you.
तीन दिन से फिर होश नहीं आया इसको, बेहोशी में, क्योंकि जो दोबारा शरीर धारण किया और अब भी मेरे शरीर में मुझे ऐसे महसूस नहीं होता कि मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। अब भी इसको मालूम नहीं कि तू शरीर में खड़ी कि नहीं खड़ी है, ऐसा लगता है मैं हदर हूँ बिल्कुल, और मुझे परमेश्वर ने जिंदा किया उसके लिए धन्यवाद कर, क्योंकि एक नई आत्मा परमेश्वर ने इसको अंदर डाल दी। अब एक शरीर के अंदर दूसरी स्थिति धारण करता है, पूरा शरीर टूट जाता है। अब इसको ऐसा मालूम नहीं कि मैं शरीर में खड़ी नहीं खड़ी। प्रभु को बाइबल उठाया, मैंने कहा प्रभु ये क्या कर दिया, ये बेटी को जिंदगी दे, भाई विश्वासी है, इसके बच्चे विश्वासी है, लेकिन जैसे मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया और इसको होश आना शुरू हो गया। हालेलुया। अब संजू भाई क्या कर रहे हैं, इसके पांदे चिराने पर पांदे बैठे हैं और इसने इसका हाथ पकड़ा और उठाने लग गया। मैंने कहा आप मत उठाइएगा, क्योंकि मेरा यीशु ने इसका हाथ पकड़ लिया, हाथ थाम लिया और वो इसको खड़ा कर देगा। हालेलुया। उसी वक्त सच बता रहा, मेरे पास कोई चेला नहीं था, मैं इसकी वीडियो बना के लाता हूँ। उसी वक्त ये बैठी होगी, भैया देशराज, मैं कहा हाँ मैं बैठा हूँ तेरे पास, मैं नहीं बैठा, मेरा तेरा यीशु बैठे यहाँ। हालेलुया। यीशु बैठे, ये प्रभु का बेटा, कितनी बड़ी चंगाई है। आज वो परमेश्वर जिंदा है, उसकी तारीफ करें एक बार फिर। वो बेटी को नया जीवन नहीं दिया, क्या आपका परमेश्वर छोटा है? आपका परमेश्वर छोटा नहीं है, आपका परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है, जो एक जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो बेटी को एक नया जीवन फिर दे दिया। ले बेटी जा, तू बच्चों के लिए मत तड़प रहे। आज बच्चों का दुख बड़ा होता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे और भी हैं, वो पीछे बैठे हुए सीख दो बच्चों की ओर। वो परमेश्वर क्या चाहता है, बहुत ज्यादा आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है आपसे, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आज विश्वास के जज बेटी के जिंदगी में चमत्कार किया, आपके भी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। हालेलुया। हाँ बेटा,